यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है। इसे देखकर तो मेरा सर चकरा रहा है। मैं क्या करूं? अरे हाँ, मैं रवि को बुला लेता हूँ। हेलो। हाँ भाई, मेरे घर आ जा, अपन दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। हाँ ठीक, जल्दी आ, वो आता ही होगा। चीटू, अरे तू आ गया। तो सामने खड़ा नहीं दिख रहा अरे हाँ, हूँ, तो वो हिस्ट्री है ना, वो मुझे याद ही नहीं हो रही है। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने समझने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया। दिमाग की जरूरत पड़ती है जो तेरे पास है ही नहीं। तुमने कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। और चलो तो फिर पढ़ना स्टार्ट करें। तो क्या, बकवास करने थोड़ी तो चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा मुझे ये तो पता, ये एज क्या होता है? जैसे ये लिखा है ना, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये होता क्या है? पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। पैलियोलिथिक एज मतलब ओल्ड स्टोन एज। जैसे कि बहुत पहले लोग सिर्फ स्टोन का यूज़ करते थे, स्टोन के टूल्स बनाते थे, स्टोन्स की गुफाओं में रहते थे, तो इसी को ओल्ड स्टोन एज कहा गया अच्छा, है। हाँ, इसके बाद आता है मीसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज। ये पैलियोलिथिक एज के बाद आता है और नियोलिथिक एज के पहले आता है। तो देखो, मीसोलिथिक खुली आंखों से सो गए क्या? अरे नहीं, वो मैं बस तुम्हें सुन रहा था। हाँ, दिखता है मुझे, अंधा नहीं हूँ मैं। अब इधर देख, मीसोलिथिक एज में जो लोग थे वो फ्लेक्स का यूज करने लगे थे, स्टोन फ्लेक्स का, और उनसे वो कई चीजें बनाते थे, टूल्स बनाने लगे, वो हंट करने लगे, तो वो मिडिल स्टोन एज में काउंट होता था। फ्लेक्स अच्छा ये तो पता, ये फ्लेक्स क्या होते हैं? स्टोन पीसेस होते थे जो टूल्स के उसमें यूज किए जाते थे, जैसे कि एक्स और नाइफ के लिए फ्लेक्स ही यूज किए जाते थे। सी, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज मींस न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट कर दिया गया था ह्यूमंस के द्वारा। पैलियोलिथिक एज में वो लोग छोटे स्टोन चिप्स को यूज करने लगे। देन मीसोलिथिक एज में वो लोग माइक्रोलिथ मतलब होता है टाइनी और स्मॉल स्टोन स्टोन टूल्स, मतलब वो फ्लेक्स को यूज करने लगे। फिर न्यूलिथिक एज में इन सब के साथ वो लोग मेटल्स का भी यूज करने लगे। अच्छा बताओ, ये हंटर गैदरर्स क्या होता है? मैंने इसका नाम बहुत सुना है हिस्ट्री में। अर्ली पीपल हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को, वो लोग सबसे पहले हंटर गैदरर्स ही थे। वो लोग हंट करते थे, फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे, और जो भी फॉरेस्ट में उनको मिलता था खाने लायक चीजें, जैसे कि फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, तो उन सबको वो गैदर करके रख लेते थे और फिर खाते थे। पेंटिंग अब ये भाई पेंटिंग कहाँ से आ गई? इसका क्या लेना देना है इधर? लोग आज से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ये लोग अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करते थे। तू अपने फ्री टाइम में क्या करता है? तू फोन चलाता है, वैसे ये लोग पेंटिंग करते थे। ये लोग केव में पेंटिंग करते थे। अरे, अच्छा तो उनके पास ब्रश कहाँ से आते थे और पेंट कहाँ से आता था? ये लोग पेंट्स खरीद के नहीं लाते थे, ये लोग लीव्स और फ्लावर्स से बहुत अच्छे कलर बनाते थे, और वो लोग ऐसे कलर बनाते थे कि वो आज तक हमें देखने मिलते हैं। भोपाल के पास भीमबेटका है, अगर हम वहां जाके देखें तो उनके रॉक्स पे अभी भी पेंटिंग्स हैं। अरे वाह, मैं अब वहां जरूर जाऊंगा। यार मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर अर्ली पीपल घरों में नहीं रहते थे तो कहाँ रहते थे? अच्छा वो लोग स्टोन केव्स में रहते थे। रुक जा, दिखाता हूँ। अरे हो क्या गया तेरे को, आदि मानव बन रहा है क्या? दिल्ली में पिक्चर्स लाया था, पता था मुझे, तुझे समझ में तो आने वाला नहीं है, वो ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये देख देख, ये केस है। आदि मानव इसी में रहता था, जो उसे नेचुरली कहीं मिल जाता था और वो उसमें रहना चालू कर देता था। ओ अच्छा, देख, ये आदि मानव है। ये लोग ऐसे अपने केस में रहते थे, जनरली इनके पास कपड़े नहीं होते थे, तो ये लोग लीव्स और एनिमल की जो छाल होती है, उनकी हाइड होती है, उसे पहन के काम चलाते थे। ये लोग दो स्टोन्स को रगड़ के फायर प्रोड्यूस करते थे।
ये लोग कई चीजों में फायर का यूज करते थे। अच्छा अब तू बता, तू किन किन चीजों में आग का यूज करता है? मैं आग लगाने का यूज करता हूँ जनरली दो लोगों के बीच में झगड़ा करवाने के लिए। वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, मैं बीच में जाता हूँ, आग लगा के वापस आ जाता हूँ। वाली आग लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल फायर होती है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा वो वाली आग, वो तो मैं जनरली लाइटर से ही लगाता हूँ। ये आदि मानव लोग फायर का यूज करते थे एनिमल्स को डराने के लिए, फूड कुक करने के लिए और अपनी गुफा को लाइट अप करने के लिए। अच्छा अब समझ आया मुझे। देख तू स्टोन्स के बारे में बात कर रहा था ना, ये जितने बड़े स्टोन्स हैं इनको फ्लेक्स कहते हैं और जितने छोटे वाले हैं इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। अब तू ही बता, हम इन स्टोन्स को टूल जैसे यूज नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल। देख तू कह रहा था ना पेंटिंग्स, देख ये लोग केव पेंटिंग्स करते थे, देख कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, ये लोग अपने फ्री टाइम में पेंटिंग ही करते थे। ये लोग जनरली हंटिंग या ऐसी कोई पेंटिंग बनाते थे क्योंकि वो एक ही काम तो करते थे। देख ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इसमें से तीन बहुत फेमस हैं, भीमबेटका, हंसगी और कर्नूल। इधर पे पेंटिंग्स मिली हैं, कई साइट्स मिली हैं जो कि हमें देखने को आज भी मिलती हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, कर्नूल आंध्र प्रदेश में है और हंसगी कर्नाटका में है। सच में यार तू बहुत अच्छा समझाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा वाला अच्छा समझाता है तू। हाँ हाँ अब इतना भी मस्का मत लगा। क्या यार तू भी। चल मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है, बाय बाय।